आपके भाई कितने हैं? सात बहनें हैं, एक एडॉप्टेड, छह आप ऐसे या आठ हैं आप? नहीं, हम नौ बहने हैं, दो मेरी स्टेप सिस्टर हैं, सात मेरी वालदा से हैं। हाँ, नौ बहनें हैं, आठ भाई हैं टोटल। आठ भाई हैं। तो भाइयों में एक भाई आपका वजीर सिंध है, जी। मिस्टर बारी पिताफी, ठीक है। एक आपका पुलिस में है, मिस्टर कयूम पिताफी। और कोई फौज में भी है? फौज में नहीं है, नहीं है। नहीं, और किसी इदारे मेरे में? वालिद रह चुके हैं फौज में। अच्छा, जी, मेरे वहाँ। वालिद एयरफोर्स में थे, तो अच्छा, मेरे जो दादा थे वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स वगैरह में, तो उन्होंने फिर मेरे वालिद को जल्दी से इन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी थी। बहुत, आई थिंक ही वॉज़ इन हिज अर्ली 20s, तो फिर वाओ। उन्होंने एयरफोर्स छोड़ के सरदारी संभाली है, तो एक सरदारी छोड़ के दूसरी दूसरी संभाल संभाली। हाँ, ऐसे। सही है। जी। तो वो फिजाओं से जमीन पे आ गया, फिजा बेटी के पास, ठीक जी। है। आप ये मुझे बताएं कि मैं समझता हूं कि सरदार साहब को अपने वालिद मरहूम ने बागडोर संभालने के लिए कहा, वो एक बहुत अच्छी बड़ी नौकरी छोड़ के चले आए, तो उनके जहन में अपने गांव, शहर, जिले, सूबे से बाहर जाने के असरात तो हुए होंगे ना, पॉजिटिवली, कि बाहर की दुनिया भी देखी हाँ जी, होगी। हाँ, आई थिंक वही वजह थी कि वो प्रोग्रेसिव थे, थोड़े नॉर्मल एक जो सरदार होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट थे, क्योंकि उनका एक्सपोजर इस तरह का रहा है। और वो सिर्फ जहाज की उड़ान नहीं भरते, लेकिन हाँ, उनके दिमाग की उड़ान में भी, बिल्कुल, फ्लाइट में भी फर्क आया होगा, फ़र्क आया, बहुत हाँ, फ़र्क आया। हाँ, ठीक है ना। आप देख लेना, अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी और सरदार की मैंने तो नहीं सुनी कि कोई बच्ची पढ़ी लिखी हो अभी इस वक्त। कभी किसी सरदार की बच्चियों को कहा कि आपको मैं हम पढ़ा, लोगों में रिवाज डिस्ट्रिक्ट गोट नहीं की है, में रिवाज नहीं है कि एक दूसरे की फैमिली से वो नहीं होता इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरेक्शन भी नहीं है। इंटरेक्शन में अपनी अपनी हदूद में रहने का कहा गया है, आइन वाले आइन की तरफ और बाकी बाकियों की तरफ रहे, इस तरह है, ऐसा ठीक है। कभी उस में डेंट डालने का सोचा है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, अब किताब ठीक। से सवाल। नहीं, अभी तो किताब शुरू हाँ, कहाँ हुई है। तो आपने फिर वो क्या बनना चाहा? इंटर इंटर कहाँ पढ़ी? मैंने मीरपुर से, मीरपुर गर्ल्स कॉलेज से ही किया। माथेलो से, ठीक है। तो जब आप गांव से शहर आती थी, तो वो बड़ा कैनवास तो हुआ ना, गांव से शहर, ठीक है। और मीरपुर माथेलो मरकजी शहर था उस जी। जमाने में, और घोटकी का इतना सिक्का नहीं था जब तक वो घोटकी सियासत में नहीं आया। मीरपुर हमारी तहसील थी उस वक्त, और हमारे आज घर भी से, तहसील जी, है, तकरीबन 45 मिनट्स तक फ़र्क है, ड्राइव है। ड्राइव है जब हम गाड़ी पे आते हैं, तो हमारा वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज था, और क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में इतनी ज़्यादा, मैं आई कुछ दिन, मुझे इतनी अच्छी वहाँ पे, मुझे लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं थी, और तो मुझे मेरे वालिद ने एक बड़ा अच्छा उस्ताद रख के दिया था, हमारी उताक पे जाके मैं उससे पढ़ती थी। ट्यूटर था वो, हाँ, 5-6 घंटे रोज़ पढ़ती थी, तो मेरा वाओ। बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी करवाई, IBA की भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, तो फिर इस तरह से सिलसिला होता था, क्योंकि अगर जाती थी तो वहाँ पे तालीम नहीं होती थी, तो मुझे फिर ज़्यादा। मतलब सरदार साहब सीरियस थे पढ़ाने में, जी हाँ, जी बहुत और सीरियस, बाकी बेटियों के लिए भी इतना सीरियस थे सब या? सबके लिए सीरियस थे, लेकिन वो ये बोलते थे कि जब तक एक कदम मैं अगर चल रहा हूँ तो 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, जाहिर। जिसका इंटरेस्ट होगा उसको, वो ज़्यादा फोकस करते थे उस पर। तो उसी माहौल में बाकी इंटरेस्ट कम क्यों था? नहीं, इंटर आई आप थिंक ज्यादा क्यूरेटिव हैं, क्यूरासिटी है, तड़प है, क्या है? मुझे इस, मेरे अंदर ना, मुझे जो चीज़ बॉदर करती है ना उस पर मैं बोले बगैर नहीं रह सकती हूँ, ये मेरा मसला है। जब तक जो चीज़ मुझे लगता है कि ये सही नहीं है उस पे मैं, कुछ भी हो जाए मैं बोलती हूँ। अम्मा बाबा कहती है ये ज्यादा बोलती हैं, हाँ, कहती है। अम्मा अच्छा कहती। हाँ, अच्छा तो उनसे पूछते हैं क्या बोलती हूँ मैं, सही तो बोलती? वो बोलती है, तुम सही बोलती हो, लेकिन देखें जब भी आप कोई ब्रेव स्टेप लेते हो ना, तो आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो फिर थोड़ा सा सोचते हाँ हैं, ये हाँ वजह है, और तो कोई वजह नहीं है। अच्छा, मतलब आपको झिड़कने या डांटने का मकसद नहीं, नहीं वो है मेरे ऊपर ट्रस्ट ले नहीं। आपका वो। हाँ,
अभी आप इंटरमीडिएट किस में पढ़ा आपने? मैंने प्री इंजीनियरिंग किया। अच्छा, ये भी जो है ना पहली दफा हुआ था, क्योंकि प्री मेडिकल पढ़ती थी लड़कियां जो पढ़ी थी उस वक्त के भाई इंजीनियरिंग का लड़कियों का क्या काम है ना प्री इंजीनियरिंग में। मुझे याद है जब मैंने पहले दफा बोला कि मैं प्री इंजीनियरिंग करूंगी, तो मुझे सब यही कह रहे थे कि इंजीनियरिंग लड़कियां क्या करोगे तुम आगे जाके। मैंने कहा मुझे मेडिकल नहीं पढ़ना है, तो मैं इंजीनियरिंग में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है। तो खैर, मुझे तो शौक़ था इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का, आईआर पढ़ने का, लेकिन यह है कि फिर मेरे वालिद चाहते थे कि मैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बेहतर ऑप्शन है लड़कियों के लिए वो बिज़नेस था। असल में वो भी ना बड़े समझदार आदमी थे, वो बोलते थे आराम आराम से बढ़ो, एकदम से ये नहीं ना। तो वो उस, खुद सरदार थे, सरदार बाकी सरदारी सिस्टम से डरता होगा कि ये इतनी छलांग लगाएगी कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं सोसाइटी में, हो सकता है। डरते तो नहीं थे, नहीं अब समझते नहीं। जो सरदारी सिस्टम है ना, या सरदारी निजाम है, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसके अपनी स्पीड है, उसके अपने नाम्स हैं। उन नाम्स में, स्पीड में एक चीज के, औरत हराम है, मर्द हलाल है, ठीक है। हराम को घर में रखो, बांधी रखो। अब सरदार साहब के बाद ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, ठीक है। वो नाम्स के खिलाफ जा रहे थे, इसीलिए वो स्पीड मदम मदम मदम, हाँ, क्योंकि वो एक्सप्लोजन जो है ना वो डेंजरस है किसी सरदारी सिस्टम में, शायद किसी भी सिस्टम, हाँ किसी भी सिस्टम में। तो फिर आपने क्या किया? आपको वालिद साहब ने कहा बिजनेस की तरफ जाओ? उन्होंने कहा बिजनेस पढ़ो, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने किया बीबीए किया। मैंने बीबीए मैंने पहले इसरा यूनिवर्सिटी से किया हैदराबाद। इंजीनियरिंग का क्या हुआ? इंजीनियरिंग का ये हुआ कि इंजीनियरिंग मैंने इसलिए किया, मेडिकल में जब आप करते हो तो आपको मेडिकल जाना होता है, इंजीनियरिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे ओ लेवल्स का तो सीन नहीं था ना, तो दो ही ऑप्शन थे, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा प्री इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का भी होगा ऑप्शन, बिजनेस का भी होगा, आईटी का भी होगा, तो मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने बीबीए किया इसरा। नहीं, इंजीनियरिंग इंटर का रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा आया रिजल्ट। मैं रिजल्ट से ज्यादा वो रखता हूँ। हाँ, रिजल्ट अच्छा आया। और वो दौर था मुशरफ का, उस वक्त कॉपी भी बंद हो गई थी, कॉपी कल्चर बंद हो गया था, तो हमें पढ़ना पड़ा सही से। अच्छा, मुझे याद है, मुझे इंटर की ना जो मैथ्स थी वो मुझे वालिद करवाते थे, तो जब मुझे कुछ मसला होता था और मुझे लगता था मेरे टीचर आज नहीं आए या कुछ, तो मैं उनके पास जाती थी, वो मुझे कराते थे इंग्लिश और ये दोनों चीज़ें, मैथ्स। और फिर उसके बाद बीबीए किया इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, और फिर आईबीएस से एमबीए किया। आउट ऑफ द ब्लू एक बात पूछ रहा हूँ, कभी अम्मा ने कहा कि काश मैं भी पढ़ी लिखी होती? सोचती होंगी, बताया नहीं। देखे ना बांट। आप बीबीए कहाँ किया? इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद जी, ठीक है। फिर क्या किया आपने? फिर एमबीए किया आईबीएस से। वो किस में किया? एमबीए बिजनेस में, मास्टर्स इन बिजनेस है, बिजनेस। हाँ, अच्छा, मार्केटिंग में। अभी मार्केटिंग बिजनेस, अभी आपके जेन में वो वालिद साहब की बात के बिजनेस पढ़ो, तो फिर आपका टारगेट क्या था? मैंने फिर पीएचडी में एडमिशन लिया मलेशिया में, एमफिल किया मलेशिया में। नहीं, मेरा जो एमबीए था दैट वाज इक्विवेलेंट टू एमफिल, ठीक है, मास्टर्स हो गई थी। हाँ, फिर ये मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एडमिशन ली थी बाबा जब ताहयात थे, और उनकी फिर बीमारी की वजह से, क्योंकि उस वक्त मैं एम्बेसी में जॉब करी थी थाई एम्बेसी में, एमबीए के फौरन बाद मैंने थाईलैंड एम्बेसी में जॉब, कॉन्सुलेट जो है यहाँ पे जॉब स्टार्ट की, और साथ में मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रही थी। और आप वो वर्चुअल पढ़ाती थी? नहीं, मैं जाती थी। और मैं आपको ये बता रही हूँ, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम बाबा से कहा मुझे जॉब करनी है, तो उन्होंने कहा कि जॉब कैसे, तुम वो सरदार साहब के लिए मुश्किल सवाल। हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें जॉब करनी ना, तुम एक काम करो, तुम गवर्नमेंट की जॉब करो, ठीक है, तुम कोई अच्छी गवर्नमेंट की जॉब करो। मैंने कहा मैं गवर्नमेंट की जॉब नहीं करूँगी, मैं आपसे कोई फेवर नहीं लूँगी, मैं करप्शन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती और फिर आपको करप्शन करनी पड़ती है, तो मुझे प्राइवेट करनी है जहाँ पे प्रोग्रेसिव चीज़ें हों और आप अपने स्किल्स, अपना दिमाग यूज़ कर सकें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अप्लाई करो फिर देखेंगे। उनको लगा मैं नहीं करूँगी, मैंने कर लिया अगले दिन, और अगले हफ्ते मुझे जॉब मिल गई। अब मैं क्या थी? आप? मैं रिसर्च ऑफिसर थी। अच्छा, मैंने कहा मुझे रिसर्च ऑफिसर की जॉब मिल गई। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, अच्छा था कौन सी, उन्होंने कहा कोई दूसरी देखो ना, अमेरिकन वगैरह उसमें देखो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अब यहाँ मिली है तो यहाँ करनी है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है। तो खैर, उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने भाई को साथ ले जाओ, वो वहाँ का माहौल देखेगा, फिर
तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझसे छोटा है, ये वहाँ का माहौल देख के मुझे अप्रूवल देगा। तो उस पर उन्होंने मुझे फिर बाद में कहा कि बेटा ऐसे काम चलाते हैं, अपना काम निकालते हैं, तुम जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ये देखो सरदारी सिस्टम था ना उसके जेन में कि किसी तरह पतली गली से मैं निकल जाऊं और इसको और भी जाने दूं, प्रोटेक्ट करूं इसको भी। हाँ, तो वो फिर मैंने वहाँ से शुरू की। फिर मैंने, फिर जब एक जॉब की परमिशन मिल गई, फिर मैंने साथ में जो है एज अ विजिटिंग फैकल्टी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना शुरू किया। मुझे असल में बोलने का बहुत शौक था, अपने आइडियाज़, और दूसरा ये कि जो यंग, जो हमसे छोटे बच्चे हैं उनके आइडियाज़ क्रिएटिव होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो भी अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। और आप टच में रहते हो अपनी जो आगे मुझे वाली एक बात जनरेशन। बताएं ना, थाई एम्बेसी से अभी नन्हे निकले ना, हाँ, मुझे बताएं रिसर्च क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ पे हम लोग जो पाकिस्तान से वहाँ पे बिज़नेस करने जाते हैं थाईलैंड, या थाईलैंड के लोग यहाँ बिज़नेस करने आते हैं, उस पे हम रिसर्च कर रहे थे किन चीज़ों पे किया जा सकता है। हमने एक वेबसाइट भी डेवलप की थी वहाँ के बिजनेसमैन के लिए, और इस तरह से होता था, वहाँ के बिजनेसमैन आते थे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनके यहाँ के कल्चर के बारे में ये चीज़ें हम बताते थे। तो अब आपको इस रिसर्च के दौरान फील हुआ कि हम कहीं कमतर हैं पाकिस्तानी बिजनेस में? हाँ, हुआ? बहुत दफ़ा फील हुआ इस तरह से, बिल्कुल। अच्छा, असल में उनकी रिजर्वेशन ये होती थी कि यहाँ पे जो ये पाकिस्तान का थोड़ा सा इमेज जैसे दुनिया भर में है कि एक तो इस्लामोफोबिया और दूसरा टेररिज्म वगैरह, इस तरह वो थोड़े से इन्वेस्टमेंट में ना बड़े कॉन्शियस होते थे वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे करना चाहते थे, ये फ़र्क था। वो करीब भी है, सिक्का भी करीब इतना भी ज़्यादा है, फ़र्क हाँ नहीं है, हाँ इसीलिए अब तो खैर बात में बहुत अब तो बहुत फ़र्क हो हाँ। गया। अच्छा, तो थाई एम्बेसी कितने टाइम रही हैं आप? मैंने तकरीबन 1 साल से थोड़ा कम टाइम किया फिर कहाँ उड़ान भरी? उसके दौरान, वो जॉब चल रही थी, साथ में मैं पार्ट टाइम विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ा रही कहाँ थी। कहाँ इन पर्सन गई? मैंने मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, माजू कहते हैं जिसे, हाँ, इकरा यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपसेस में मैंने पढ़ा है, गुलशन और मेन कैंपस। नाजमाबाद में अच्छा, और मेन कैंपस में, ये जो हाँ कयूमाबाद। हाँ जी। इसके अलावा मैंने फिर कैज़बिट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। कैज़बिट यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा रही थी, अब मैंने पूरा जॉब की इसकी अब तरफ आ गई, कैज़बिट है खादम अली हाँ शाह, हाँ है ना? हाँ खादिम अली शाह जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मैंने फिर उस वक्त एम्बेसी छोड़ दी थी, और वहाँ पे मैंने एज अ रजिस्ट्रार जॉब स्टार्ट की। और उसके दौरान ये हुआ कि निसार सिद्दीकी साहब थे IBS अखर के ना, तो वो उनका मैंने कोई देखा था एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ, सरदार शाह और ये मिल के कर रहे हैं एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उनको कॉल की कि सर ये जो प्रोजेक्ट हैं इसमें हम लोग आपके साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो वो बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, मतलब स्पेशली जो लड़कियां पढ़ी लिखी हों सिंधी, उनको बड़ा वो करते। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो मैं निकल रहा हूँ सखर के लिए, मैं ना फ़िलहाल तारीख पे आऊँगा, 11 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूँगा। मैंने कहा ये जो EMO के आपके प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के साथ, हम चाहते हैं कि हम आप हमें ना एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हमें यहाँ पर काम करना है। मैंने कहा ठीक है, तुम हमारी एलुमनाई हो, हमारी सिंधी बच्ची हो, और वहाँ पे गांव में जब काम करेंगे तुम्हें ज़्यादा पता है। मैंने कहा ठीक है, और इस तरह से मैंने वो वाली पोजीशन छोड़ के मैंने EMO में ना मैं मैनेजर बन गई, और मैंने एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फिर काम किया। ये एक ऐसा बेस स्टेशन क्या थी? मैं तो कराची में होती थी, लेकिन मेरे विजिट्स जो है ना वो इंटीरियर सिंध में होते थे। वहाँ पर हमारा काम ये था कि आप भी इंटीरियर सिंध बोलती हैं? इंटीरियर सिंध बोलती हूँ, क्या बोलें हम, रूरल एरियाज जो हमारे हैं। तो इंटीरियर बोलेंगी तो एक्सटीरियर क्या है? एक्सटीरियर ये है ना कराची और सखर, तो ये सिंध नहीं है ना, ये सिंध का एक्सटीरियर है? नहीं, सिंध है, बिल्कुल सिंध है। मैं मुझे बड़ी चिढ़ होती है, लोग बोलते हैं कराची से हम सिंध गए ना, तो भाई कराची क्या है फिर? मुझे इस तरह चिढ़ आती है हाँ, कि जब आप इंटीरियर कहते हैं। अच्छा चले, मैं क्या बोलूँ फिर आपको, बाहरेड़ी में अपर सिंध, अपर सिंध, हाँ लोअर लोअर सिंध, सिंध ठीक या है, जिलों के नाम लें। हाँ सही, आप देखें ना, आप सिर्फ रूरल सिंध बोल के सिंध के 20 ज़िलों की मशहूरी का सत्यानाश कर देती हैं। आप मस्तूं तो बोलती हैं, लिया चीचा वतनी तो बोलती हैं, वजीरिस्तान टांक और रहीम यार खान तो बोलती हैं, ये दादू उसमें चला गया, हैदराबाद उसी में चला गया, लाड़काना सखर शिकारपुर घोटकी खैरपुर नुशर फिरोज दादू, फिर इधर आके मटियारी, ये थर पार कर फिर अमरकोट सांगड़, ये टंडोला या टंडो मोहम्मद खान, ये सारे आपने या तो इंटीरियर सिंध में गर्क कर दिए या
लोअर सिंध, इसीलिए जिलों के नाम लेना सबसे अच्छा है। सही, ठीक है। अंग्रेज ने वैसे कहा था अपर सिंध लोअर सिंध, इसीलिए ये बहुत सारी सेंसिटिव चीजें हैं। ये सबक मैंने आज आपको दे दिया। सही। अब निसार सिद्दीकी साहब के साथ एमओयू साइन करके कितना टाइम आपने वो काम किया? मैंने 3 साल ये काम किया। अच्छा, हम एक छोटी सी वक्फे के बाद पूछेंगे आपसे, ये ईएमओ जो है उसका आपने जो मेमोरेंडम साइन किया वो सिंध गवर्नमेंट के साथ शराकत में रही, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मिलते हैं और मोहतरमा फिज़ा पिताफी साहिबा, फिज़ा पिताफी बलोच साहिबा से हमारी बातें जारी हैं।